नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे देश में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें कि रेलवे प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के साथ साथ हाइड्रल प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिनका काफ़ी योगदान देश के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पहलुओं में होता है। हम रेलवे प्रोजेक्टों की जानकारी समय समय पर आप सभी के समक्ष पहुँचाते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने आपके निगाह में लाए हैं, जिनमें जो वन मंजूरी है, पर्यावरण मंजूरी है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती, क्योंकि इन रेलवे लाइनों का जो विस्तार है या निर्माण है, वह ऐसे क्षेत्रों से होकर किया जाना रहता है जिसमें कि वन क्षेत्र होता है, और यहां से वनों को काटने या उनमें से कुछ भी निर्माण करने के लिए पूर्व में दो स्तर की अनुमति लेना काफी आवश्यक होती है। पहले स्तर की अनुमति हमारा जो राज्य शासन का वन विभाग है वह देता है, दूसरी अनुमति हमारा केंद्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देता है। इनमें काफ़ी पेंच भी कई बार आ जाते हैं, क्योंकि जो ज़मीनें हैं उनका मूल्य तो संबंधित एजेंसी को देना होता है, इसके साथ साथ कुछ भूमि अन्य जगह पर भी उपलब्ध कराना होती है, जहां पर वृक्षारोपण करके जो पेड़ काटे जाने वाले होते हैं संबंधित प्रोजेक्ट में, उनकी भरपाई की जा सके। और कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि जो वन भूमि के बदले में अन्य भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है, इस वजह से भी कई बार प्रोजेक्टों के जो काम है वह उक्त वन्य भूमि पर शुरू करने में दिक्कतें आती है। इन सभी आपत्तियों को देखते हुए जो हमारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उसके द्वारा एक विशेष राजपत्र दिनांक 20 सितंबर को जारी किया गया, जो कि वन महानिरीक्षक श्री रमेश कुमार पांडे जी के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। भारत का राजपत्र में यह प्रकाशित किया गया है, जो कि वन संरक्षण एवं अधिनियम 1980 में संशोधन करने से संबंधित है। इस पूर्व की व्यवस्था के अनुसार यदि किसी विशेष क्षेत्र में जो ज़मीनें उपलब्ध नहीं हैं, वैकल्पिक जमीन व पौधारोपण के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उस वन भूमि के बदले संबंधित विभाग को उसी राज्य में और कहीं वैकल्पिक राजस्व जमीन उपलब्ध कराने अनिवार्यता थी, वह अब समाप्त कर दी गई है। जो यह राजपत्र अधिसूचना प्रकाशन हुई है, उसमें कहा गया है यदि पौधारोपण के लिए वन विभाग को वैकल्पिक जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो इसकी व्यवस्था वन और पर्यावरण विभाग अपनी मौजूदा ज़मीनों पर करेगा, जबकि संबंधित राज्य के मुख्य सचिव यह प्रमाणित कर दे कि उनके राज्य में उक्त किसी खास प्रोजेक्ट के लिए वैकल्पिक राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है। तो इस बदलाव से आने वाले समय में जो विभिन्न प्रोजेक्ट देश भर में चल रहे हैं, उनको काफ़ी फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनका कार्य अब जो वन भूमि है उस पर हो सकेगा, और उस पर जो वैकल्पिक पौधारोपण के लिए दी जाना है उसकी जो अनिवार्यता है वह अब समाप्त हो जाएगी। कई प्रोजेक्ट हमने आप सभी को इसके लिए बताए हैं, खास तौर पर एक प्रमुख वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले टाटगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व से होकर गुजरने वाले मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन के बारे में तो अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाया था कि वहाँ पर कार्य होगा या नहीं होगा। खैर, उसमें यह बात लागू होती है नहीं, यह भविष्य में पता चलेगी। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के जो खास प्रोजेक्ट हैं, धार छोटा उदयपुर और दाहोद इंदौर रेल लाइन, महू सनावद आमान परिवर्तन के साथ साथ जो हमारा अकोला खंडवा आमान परिवर्तन है, उसमें भी यह जो नियम है लागू हो सकता है। इसके साथ साथ जो इंदौर बुधनी रेल परियोजना है, उसमें भी एक बड़े वन क्षेत्र से होकर यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट भविष्य में गुजरने वाला है, वहाँ पर भी यह नियम लागू हो जाएगा, और भविष्य में इसके बारे में और अधिक दिशा निर्देश निकलकर सामने आएंगे, जिससे कि काफ़ी फायदा मिलने वाला है। अफसरों ने अपने परिपत्र में उल्लेख किया है कि परियोजनाओं के लिए वन भूमि में काम करने के लिए बहुत अड़चनें आती थी, और जो संबंधित एजेंसी है जिसको कि निर्माण कार्य करने के लिए वन अनुमति लेना है, उसे प्रदेश के कलेक्टरों से संपर्क कर ऐसी ज़मीनें तलाश करना पड़ती थी जहां पर पौधारोपण करवाया जा सके। कई बार ऐसी ज़मीनें जिलों में नहीं मिल पाती थी, तो उस स्थिति में दूसरे जिलों से संपर्क करना पड़ता था, और वहाँ भी ज़मीन नहीं मिले तो अन्य किसी ज़िले में संपर्क करना पड़ता था। प्रक्रिया लंबी होने की वजह से ज़मीन तलाशते चलाशते जो निर्माण कार्य है वह भी शुरू नहीं हो पाता था। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जो हमारा अकोला खंडवा आमान परिवर्तन किया जा रहा है, उसमें बुरहानपुर ज़िले के पास में जो वन्य क्षेत्र से होकर आमला खुर्द का रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, उसकी ज़मीन हमारे शाजापुर ज़िले के
सुंदर सी वन अनुभाग में दी गई है। इसके बारे में हमने पूर्व में भी आपसे उल्लेख हमारे एक वीडियो में किया था। तो इस तरह से जो ज़मीनें हैं वह अन्य जिलों में तलाशी जाती है, जिन पर कि वैकल्पिक पौधारोपण जो वन भूमि को हटाकर वहाँ पर दूसरा कार्य किया जाता है उस स्थिति में करना पड़ता है। तो ऐसी अनिवार्यता जैसा कि शासन के परिपत्र में लिखा है कि आने वाले समय में अब नहीं रहेगी। तो आसानी से जो प्रोजेक्ट है जिनमें वन मंजूरी एक बड़ा अड़ंगा थी और वन मंजूरी के बाद पौधारोपण के लिए ज़मीन तलाशने की प्रक्रिया की वजह से इनका निर्माण नहीं हो पा रहा था, तो उसमें काफ़ी राहत भविष्य में देखने को मिल सकती है। खैर, अभी हमें जो विभिन्न प्रोजेक्ट है उन पर इस दिशा निर्देश के पश्चात कितना प्रभाव पड़ता है वन मंजूरी मिल जाने के बाद में, इसका इंतजार है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि जो हमारे महू सनावत अमान परिवर्तन है उसके जो टेंडर निकलने की प्रक्रिया है वह इन्हीं वन मंजूरी की वजह से अटक गई थी और स्टेज वन क्लियरेंस अभी तक उसके लिए नहीं दिया गया है। वन क्लियरेंस यदि मिल जाता है तो कम से कम अपना कार्य रेलवे उक्त हिस्से में शुरू कर सकता है और साथ में जो पौधारोपण वाली शर्त है उसके लिए भी उसमें खास तौर से उल्लेख जो संबंधित विभाग है उसको करना पड़ता था कि कहां पर वे लोग उक्त कार्य के लिए जो ज़मीन ली जा रही है उसके बदले में पौधारोपण करेंगे। जो पेड़ों की कटाई होती थी उनकी कीमत भी संबंधित विभाग को अदा करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया है जो निश्चित तौर पर बदलने वाली है और इससे फ़ायदा जो विभिन्न प्रोजेक्ट हमारे पूरे देश में निर्माण हो रहे हैं उनको मिलने वाला है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इन वन मंजूरियों की वजह से कई प्रोजेक्ट अभी तक लटके पड़े हैं। कुछ खास राजनीतिक दखल वाले प्रोजेक्टों को यदि हम छोड़ दें तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनके लिए हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कम प्रयास कर पाते हैं, ऐसे प्रोजेक्टों में वन मंजूरी मिलना काफ़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। उनमें तरह तरह के कारण बताकर उक्त वन मंजूरी को अटकाया जाता रहा है और साथ ही जो आवेदन है वह भी विभिन्न कमियाँ निकाल कर अटकाए रखे जाते। हमने विभिन्न प्रोजेक्टों में यह चीज़ देखी है और ऐसा ही कुछ हमारे जो विभिन्न धार, छोटा उदयपुर और दाहोद इंदौर रेल परियोजना और हमारा जो महू सनावर आमान परिवर्तन है इसमें हम देखते आ रहे हैं। वहीं तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही अच्छा बदलाव जो हमारा वन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है प्रक्रिया में, और साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं जो इनकी लंबी प्रक्रिया है जनहित के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में इस प्रक्रिया में जो अनुमति है यह प्राप्त करने में लंबा समय लग जाता है। इस वजह से जो प्रोजेक्टों की लागत है वह भी बढ़ती जाती है और एक निराशा का माहौल भी साथ में निर्मित हो जाता है। इसको भी सुधारे जाने की आवश्यकता वन मंत्रालय की ओर से पहल करके की जाना चाहिए। साथ ही इस जो प्रणाली है इसको भी सरल किया जाना चाहिए ताकि जो मंजूरी है वह जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, क्योंकि इन प्रोजेक्टों के बनने का इंतजार लंबे समय से क्षेत्र की जनता कर रही है। आशा है आने वाले समय में इस पर भी विचार होगा और सभी प्रक्रिया में काफ़ी पारदर्शिता और आसानी हमें देखने को मिलेगी। तो एक उम्मीद की किरण यह निश्चित तौर पर इन प्रोजेक्टों के लिए निकल कर सामने आई है और इससे भविष्य में इन प्रोजेक्टों में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।